अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं रोज़े हशर यूट्यूब चैनल। व्यूवर, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं उसका नाम है कि आपके बच्चे मोबाइल में क्या देख रहे हैं। हमने इस बात पर फोकस करना है कि आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों के साथ किस तरह से रवैया रखते हैं और कैसे वो अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन और टैबलेट वगैरह दे देते हैं। बच्चों की तरबियत करना वालदैन का फ़र्ज़ है, उनको आज़ादी भी दो, लेकिन आप उन पर नज़र भी रखें और इसके साथ साथ आप एक बात का भी ख्याल रखें कि उनको शक ना हो कि उन पर नज़र रखी जा रही है। कोशिश ये करें कि आप अपने बच्चों को बराह रास्त इंटरनेट इस्तेमाल करने ना दें। जैसे कि आपके बच्चे मोबाइल फ़ोन अपनी तैयारी यानी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए इस्तेमाल करते हैं तो आप उनसे एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे के सारे टॉपिक्स पूछ लें और फिर उनको उन टॉपिक्स से मुतल्लिक वीडियोस, लेक्चर्स इंटरनेट से डाउनलोड करके ऑफलाइन उनको दिखाएं। बच्चों को इस्लामी चैनल्स अपने साथ बिठाकर दिखाएं, बच्चों के साथ इस्लामी तरीके की गुफ्तगू करें, उनको टाइम दें। बच्चों को जब आप मोबाइल देंगे तो जैसा कि छोटे बच्चे हैं, आप उनको मोबाइल फ़ोन देते हैं तो ऐसे ही पकड़ा देते हैं, पेरेंट्स देखते नहीं हैं कि वो क्या देख रहा है क्या नहीं देख रहा। तो छोटे बच्चों को जब आप मोबाइल दें तो YouTube Kid, ये एक एप्लीकेशन है छोटे बच्चों के लिए होती है, वो ओपन करके दें और पिन करके दें। पिन करने से ये होगा कि बच्चा किसी और ऐप की तरफ नहीं जा पाएगा। आप उनको मसरूफ़ रखें, आप अपने बच्चों के साथ इस तरह पेश आएँ कि वो हर बात आपके साथ शेयर करें। अक्सर ये होता है कि वालदैन बच्चों को टाइम नहीं देते और एक मोबाइल फ़ोन और या फिर टैबलेट वगैरह ख़रीद कर उसके हाथ में थमा देते हैं और बराह रास्त इंटरनेट भी मैसर कर दिया जाता है और फिर वो वहीं से दुनिया को एक अलग निगाह से देखते हैं और सीखते हैं। बच्चे हमारा आने वाला मुस्तकबिल हैं, इनकी अच्छी तरबियत करना हमारा फ़र्ज़ है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक और हदीस के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।